इस आतंकी हमले ने देश को हिलाकर रख दिया है। जम्मू कश्मीर में पुलवामा के अवंतीपोरा के गोरीपोरा इलाके में सीआरपीएफ के काफिले पर ये सबसे खौफनाक हमला हुआ है। इस काफिले में 70 गाड़ियां शामिल थी। सीआरपीएफ की 54वीं बटालियन की बस पर आईडी से हमला हुआ, जबकि 35वीं और 179वीं बटालियन पर आतंकियों ने गोलाबारी की, ग्रेनेड भी दागे गए। और जैश ए मोहम्मद के सीआरपीएफ पर हुए इस बेहद ही घातक हमले की जिम्मेदारी ले रहा है। आदिल अहमद डार का एक वीडियो भी जारी हुआ। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ये आतंकवादी हमलावर एक से एक घातक हथियारों को लेकर बैठा हुआ। आदिल अहमद डार पुलवामा में काकापोरा के गुंडी बाग का रहने वाला है। कहा जा रहा है कि आत्मघाती हमलावर आदिल अहमद डार ने अपनी कार सीआरपीएफ के काफिले में घुसा दी और जोरदार धमाका हो गया। सीआरपीएफ की गाड़ी के भी परखच्चे उड़ गए। आप तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे गाड़ियों के परखच्चे उड़े हुए हैं। मारे गए सीआरपीएफ के जवानों में एक सेना के मेजर भी शामिल है। हम आपको बता दें कि सीआरपीएफ के काफिले में 2500 लोग शामिल थे। ये काफिला जम्मू से श्रीनगर जा रहा था और आदिल अहमद डार ने बारूद से भरी अपनी कार को सीआरपीएफ के दो वाहनों के बीच में घुसाकर उसे उड़ा दिया। जैश ए मोहम्मद ने न सिर्फ इस हमले की जिम्मेदारी ली है, बल्कि आदिल अहमद डार का वीडियो भी जारी किया है, जिसने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। आदिल पिछले साल ही जैश ए मोहम्मद में शामिल हुआ।